इस वीडियो में बात करेंगे पॉलीगॉन 2.0 जी के ईवीएम के बारे में। यहाँ पे जिन लोगों ने लीनिया का वोयाज मिस कर दिया था उनके लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे जी के ईवीएम के सागा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे गिटकॉइन के बारे में कि कैसे आप यहाँ पे जाके अपने पासपोर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट अर्न कर सकते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे आप जाके इनके एनएफटीज़ को मिंट कर सकते हैं जो कि स्टार्ट होगा 1 अगस्त से। तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे वेलो डेटा के बारे में, एक नया प्रोटोकॉल जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किसी भी टोकन के बारे में अगर आप सर्च करना चाहते हैं। फिलहाल ये समय बेटा स्टेज पे है। और एंड में बात करेंगे mint.fun के ऊपर, जिन लोगों ने भी इनके टीम में पार्टिसिपेट किया था वो यहाँ पे जाके फ्री एनएफटी क्लेम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम अपने पॉलीगॉन जी के ईवीएम वाले टॉपिक से। तो यहाँ पे पॉलीगॉन ने एक ट्वीट किया और ये बताया कि उन लोगों ने एक नया वोयाज टाइप का एक टास्क स्टार्ट किया है और इसका नाम इन्होंने रखा है पॉलीगॉन 2.0 जी के ईवीएम सागा। और यहाँ पे भी दोस्तों आपको वीकली टास्क दिए जाएंगे, टोटल 6 हफ्तों तक ये चलेगा और पहला हफ्ता अब यहाँ पे ख़त्म होने में कुछ ही टाइम रह गया है। इसलिए मेक श्योर अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो यहाँ पे जाके आप फटाफट इन टास्क को कंप्लीट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है, मतलब जब आप इस पेज को ओपन करेंगे तो आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट करना होगा, फिर यहाँ पे आपका पहला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको इनके ट्विटर को फॉलो करना है, फिर ट्विटर के दूसरे अकाउंट को फॉलो करना है, फिर डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है और एक ट्वीट को पोस्ट करना है। जैसे आप ये कंप्लीट करेंगे आपको यहाँ पे ये जो एनएफटी है वो इनेबल हो जाएगी क्लेम करने के लिए। अगर आपके पास जी के ईवीएम के ऊपर टोकन्स नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक करके गैस के लिए टोकन मंगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप यहाँ पे ब्रिज कर लें ताकि अगर फ्यूचर में उनका एक एयरड्रॉप होता है जो कि ज़रूर होगा। पॉलीगॉन 2.0 के रोड मैप में बताया गया है कि यहाँ पे ये एक नया टोकन लॉन्च करने जा रहे हैं पॉलीगॉन के नाम से, जिसका सिंबल होगा POL और वही टोकन काम आएगा इनके सारे इकोसिस्टम में। तो अगर आपने यहाँ पे मैटिक को होल्ड किया हुआ है तो आपका जो मैटिक है वो 1:1 के रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसकी जब डेट अनाउंस होगी तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जी के ई वी एम के सागा में पार्टिसिपेट करना है। आप यहाँ पे मल्टीपल वॉलेट से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जितने वॉलेट आप यहाँ पे करेंगे उतने आपको यहाँ पे ट्विटर अकाउंट और डिस्कॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेक श्योर कम से कम 2 से 3 अकाउंट के साथ तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप और भी अर्न कर सकते हैं अगर आप अपने फ्रेंड को या अपने दूसरे वॉलेट को तीसरे वॉलेट को रेफ़र करते हैं, यानी कि पहले अकाउंट से आप साइन अप करने के बाद आपको जो रेफर लिंक मिलेगा उस लिंक से आप अपने सेकेंड थर्ड फोर्थ अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो पहला अकाउंट है उसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स अर्न हो जाएंगे। अब बात करते हैं गिटकॉइन के बारे में। तो गिटकॉइन यहाँ पे गैलेक्सी के साथ मिलकर एक इवेंट लेके आ रहा है और यहाँ पे आपके पास जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे गिटकॉइन पासपोर्ट के ऊपर उस हिसाब से आप यहाँ पे एनएफटी मिंट कर सकते हैं। और ये बेसिकली टैकल करेगा एंटी सिबिल को, यानी कि जो लोग बॉट और सिबिल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको यहाँ से रिमूव करने के लिए इस टास्क को ये लेके आएंगे। और यहाँ पे 1 अगस्त से आप जिस टीयर में होंगे उस टीयर के हिसाब से आप यहाँ पे एनएफटीज़ को मिंट कर पाएंगे। अगर आपका गिटकॉइन पासपोर्ट में 0.1 से 10 के बीच में होगा तो आप एक क्लेम कर पाएंगे, 10 से 20 में होगा तो प्रोटो बीइंग, और अगर आप 60+ पॉइंट्स पे रहेंगे तो आप चोजन वन होंगे। तो जितना ज़्यादा पॉइंट होगा उतना अच्छा आपको यहाँ पे एनएफटी मिलेगा। तो इसे करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है इस लिंक के ऊपर, मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। और उसके बाद आपको रिफ्रेश माय स्टैम्प के ऊपर आपको क्लिक करना है, एक्सप्लोर स्टैम्प्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस समय मेरे 18.77 स्कोर है, यानी कि स्कोर काफ़ी कम है। और यहाँ पे काफ़ी कुछ है ऐसा है जिसे मैं यहाँ पे जाके वेरीफाई कर सकता हूँ, जैसे कि गिटकॉइन अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं, उसके बाद लिंक्डइन को कर सकते हैं, गिटहब को कर सकते हैं, गूगल को कर सकते हैं, ब्राइट आईडी को कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी को कर सकते हैं। मतलब जितना ज़्यादा आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे और उस पॉइंट्स के बेसिस पे आप यहाँ पे 1 अगस्त से जाके आप यहाँ पे इनके एनएफटीज़ को मिंट कर पाएंगे। तो मेक श्योर आप इस चीज़ कर लें और इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। बहुत सिंपल से यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं अपने आप को वेरीफाई करने के लिए। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि 18 अगस्त से यहाँ पे इनका गिटकॉइन ग्रैंड 18 स्टार्ट होगा। यहाँ पे जो भी हमें इवेंट देखने को मिलेगा एयर ड्रॉप का, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जी के सिंक की या फिर हम बात करते हैं
पब्लिक गुड नेटवर्क। पब्लिक गुड नेटवर्क अगेन ऑप्टिमिज्म के ऊपर बना हुआ एक ब्लॉकचेन है जिसे गिटकॉइन ने बनाया है। और यहाँ पे इस बार अगर डोनेशन की बात आती है तो मुझे लगता है ऑप्टिमिज्म और PGN नेटवर्क काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेगा। और इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे जोरा के ऊपर PGN टीम ने एक NFT भी लिस्ट की है, तो अगर आप इसे भी मिंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने एक वॉलेट से करके छोड़ दिया है, बहुत सारे वॉलेट से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दो वॉलेट से आप कर सकते हैं, वो भी तब अगर आपके पास कुछ स्पेयर इथेरियम पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इथेरियम नेटवर्क के ऊपर ही मिंट करना है जो कि थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ सकता है। इसके अलावा आप अपने मेटामास्क के अंदर जाके PGN नेटवर्क को ऐड कर ले, अगर ग्रांट इस नेटवर्क के ऊपर भी होता है तो आप इजीली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। chainlist.org पे जाके आपको PGN टाइप करना है और आपके सामने इनका मेन नेट, साथ में इनका टेस्ट नेट, दोनों नेटवर्क के लिंक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आप ऐड टू मेटामास्क पे करेंगे और ये नेटवर्क है आपके मेटामास्क वॉलेट में ऐड हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा वेलो डेटा। वेलो डेटा अगेन एक नया प्रोटोकॉल है जहाँ पे आप को जाके सारी डेटास एक जगह पे आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे टोकन्स की, हालांकि यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा टोकन्स लिस्टेड नहीं है, लेकिन जितने भी टॉप टीयर प्रोजेक्ट्स हैं वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। लेट्स से अगर आपको इथेरियम के बारे में जानना है तो 24 आवर्स का क्या वॉल्यूम है, क्या स्नैपशॉट हुआ है, क्या आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, क्या फंडिंग रेट है, एवरीथिंग यहाँ पे आप शॉर्ट लॉन्ग लिक्विडेशन वॉल्यूम हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और इस समय ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई चार्जेस नहीं है। साथ में दोस्तों आप यहाँ पे जाके लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चैट बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप गुड टू गो हो, इनके कम्युनिटी के साथ जाके आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का बेसिकली मतलब ये है कि आर्कम की तरह आप यहाँ पे अपना साइन अप कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे रेफरल लिंक मिलता है, उस लिंक के थ्रू आप अपने दूसरे अकाउंट को तीसरे अकाउंट को इनवाइट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप पॉइंट्स को अर्न कर सकते हैं। फिलहाल ये जो प्रोजेक्ट है ये बेटा वर्जन में है और यहाँ पे इनकी टीम ने एक ट्वीट करके ये बताया कि फ्यूचर में ये यहाँ पे रफाल, रिवॉर्ड, टोकन सब पॉसिबल है। तो मेक श्योर कि आप इसे भी मिस मत कीजिएगा और एक बार आप भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि ये वर्थ इट है या नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब बात करते हैं मिंट डॉट फंड के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों फंड ड्रॉप में काफ़ी टाइम से हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अगला यहाँ पे जो इनका रिवॉर्ड आएगा वो आएगा 18th of August का। अब कुछ टाइम पहले हमने इनके टीम के अंदर पार्टिसिपेट किया था और जो भी टीम यहाँ पे विनर होने वाली थी वो यहाँ पे अर्न करने वाली थी इथेरियम। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ चुका है, रेड टीम जीत चुकी है और यहाँ पे 47.26 इथेरियम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा रेड टीम के अंदर। मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं येलो टीम में था, टीम हार चुकी है, बट यहाँ पे मिन डॉट फंड की टीम ने एक NFT रिलीज़ किया है उन सभी के लिए जिन लोगों ने यहाँ पे इनके इस टीम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। इरिस्पेक्टिव ऑफ कि अगर आपकी टीम जीती है हारी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ पे जाके इस NFTs को क्लेम कर सकते हैं। और हम सबको पता है कि मिन डॉट फंड एयरड्रॉप ज़रूर करेगा और ये जब करेगा तो उम्मीद कर रहे हैं कि ब्लर जैसा मिल जाए, अगर वैसा नहीं भी मिलता है तो ठीक ठाक हमें यहाँ पे एयर ड्रॉप देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो आप जाके इस NFT को क्लेम कर सकते हैं। तो ये थे कुछ अपडेट आज के इस वीडियो में और जाते जाते मैं आपको सुपरा का एक और अपडेट दे दूँ। सुपरा का मिशन 12 लाइव हो चुका है और इसका आंसर मैंने बता दिया था, आंसर इसका बी है। तो अगर आपने अभी तक इसके मिशन 12 कम्प्लीट नहीं किया तो आप जाके इसे कम्प्लीट कर सकते हैं, इसका आंसर बी है। जितने ज़्यादा आप यहाँ पे स्टार अर्न करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, आप यहाँ पे इनके ऊपर वाले लेवल पे चले जाएंगे और जब यहाँ पे एक्सपीडिशन होता है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एंट्रीज़ मिलती है। तो नेविगेटर तक अगर आप पहुँच जाते हैं तो आपको यहाँ पे 50 एंट्रीज़ मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नए टॉपिक्स के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।